जैसे कि मैंने आपको बताया बिजनेस कार्ड, सबके बिजनेस कार्ड होते हैं, तो जैसे कि मेरा भी बिजनेस कार्ड है, ये देखिए बिजनेस कार्ड को, अपने बिजनेस कार्ड्स जो होते हैं उनको ठीक अपने ऑफिस टेबल पर ठीक सामने रखिए, तो उससे क्या होगा, जो आपका सामने वाला एरिया होता है वो साउथ का होता है, तो बिजनेस कार्ड से आपका जो फेम है, जैसे आपका जो कंपनी का नाम है उस पर, या फिर आप जो भी आपकी शॉप का नाम है या आपका नाम है, आपको वो बहुत अच्छा फेम दिलाएगा, अच्छे तरीके से आप पॉपुलर हो जाएंगे जिस फील्ड में आप काम करें। पर ध्यान रखें उस बिजनेस कार्ड में छोटा सा रेड कलर का कुछ भी हो, चाहे वो फॉन्ट हो, चाहे बैकग्राउंड हो, चाहे कुछ भी हो, छोटा सा कोई भी अपना सिंबल अगर आप यूज़ कर रहे हैं या लोगो यूज़ करें, उसमें कहीं ना कहीं छोटा सा रेड ज़रूर आप इस्तेमाल कीजिए, यूज़ ज़रूर कीजिए। जैसे कि मेरा है, मेरे वेबसाइट का नाम vastumiracles.com, वो रेड फॉन्ट्स में है। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया साउथ और लाफिंग बुद्धा, अब थर्ड चीज़ मैं आपको बताऊंगी, जो आपका राइट हैंड साइड है वो नेटवर्क एरिया से जुड़ता है, आपका जो आपके जो टेबल का जो राइट हैंड साइड है वो नेटवर्क एरिया से कनेक्ट होता है, तो अगर आप वहाँ पे छोटा सा ग्लोब रख लेंगे या फिर वाइट कलर का क्रिस्टल से रिलेटेड कुछ भी रख लेंगे, तो आपके जो नेटवर्क है वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, आपको बहुत नए नए लोगों से जुड़ने का मौका मिलेगा, आप नए लोगों से जुड़ेंगे और अच्छे और बेहतर लोगों से जुड़ेंगे, क्योंकि जब हम काम करते हैं तो हमारा नेटवर्क एरिया स्ट्रांग होना ही चाहिए, अकेले तो हम आगे नहीं चल सकते ना, अकेले तो हम सक्सेस नहीं पा सकते, हमें उसके लिए सबके साथ जुड़ के चलना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको नेटवर्क आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, तो उसके लिए आप छोटा सा ग्लोब, वर्ल्ड का ग्लोब, या मतलब आप ग्लोब, छोटा सा ग्लोब रख लीजिए, या फिर आप अगर नहीं करना चाहते क्रिस्टल रख लीजिए, छोटा सा क्रिस्टल रख लीजिए, या वाइट कलर का क्रिस्टल बॉल्स रख लीजिए, वाइट कलर का कुछ भी रख सकते हैं, वाइट कलर के फ्लावर्स रख सकते हैं आप अपने लेफ्ट हैंड साइड, ठीक उसी तरीके से, सॉरी राइट हैंड साइड की बात करेंगे, अब हम मैं बात करूँगी लेफ्ट हैंड साइड की, लेफ्ट हैंड साइड पर अपने आप कुछ भी आपके जो टूल्स एंड सप्लाईज हैं वो वहाँ पे रखिए, यानी कि आप पेन होल्डर रखिए, जैसे कि मैंने भी अपने राइट हैंड साइड में पेन होल्डर रखा हुआ है, तो आप पेन होल्डर रखिए वहाँ पर, और आपके जैसे टूल्स हैं या जो आप काम करते हैं जिससे रिलेटेड आपके जो टूल्स होंगे या पेन होंगे या फिर आपकी जो सप्लाईज हैं, स्टेशनरी हैं, वो आप अपने लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, तो उससे क्या होगा, जो आपके आइडियाज़ हैं वो बहुत जल्दी काम करना स्टार्ट करेंगे और वो वेस्ट नहीं जाएंगे। ये चार चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। पांचवी चीज़ जो मैं आपको बता रही हूँ, जिस अभी हमने बात की टेबल की, अब हम बात करेंगे चेयर की, जिस चेयर पे आप बैठते हैं वो स्टेबल होना चाहिए। देखिए जैसे आप तंग होके बैठेंगे, परेशान होके बैठेंगे, तो ऑफकोर्स ही बात है आप काम कर रहे हैं, तंग होके परेशान होके आप अगर काम कर रहे हैं तो नहीं हो सकता ना, अगर स्टेबल चेयर पे नहीं बैठेंगे आपका दिमाग भी घूमता रहेगा, कहीं ना कहीं किसी ना किसी वजह से परेशान रहेगा, तो आपकी जो चेयर है वो स्ट्रांग होनी चाहिए, वो आपका जो बैक है चेयर का वो स्ट्रांग होना चाहिए। साथ ही मैं आपको एक वास्तु रेमेडी बताती हूँ, एक छोटी सी टिप बताती हूँ, जिससे अगर आपको मतलब बैक सपोर्ट नहीं मिल रहा है आपके काम में और आप चाहते हैं कि आपके काम में आपको बैक सपोर्ट मिले, तो अपनी जहाँ पे भी आप बैठते हैं उसके पीछे आप माउंटेन की सीनरी लगाएं, पर ध्यान रखें उसमें पानी ना हो, तो आपको आपका जो बैक सपोर्ट है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे नेटवर्क्स जो हैं हमारे स्ट्रांग होने चाहिए, मतलब लोगों से हम जो जुड़े हैं तभी हम आगे काम कर सकते हैं, ठीक उसी तरीके से ना हमें आगे चलने के लिए ना पीछे हमारा बैक जो सपोर्ट है ना वो अच्छा होना चाहिए, ताकि मतलब स्ट्रांग होना चाहिए ताकि हम आगे बढ़ पाएँ, इसी तरीके से अगर आप सीनरी लगाएंगे तो ज़रूर आपको हेल्प मिलेगी। थैंक यू फ्रेंड्स।